आज हमें लगभग 412 दिन हो चुके हैं जो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ धरना चल रहा है। क्या क्या मांग है आपकी धरने में? हमारी मांग है, हमने कई बार बताया, आज फिर बताता हूँ। हमारी सबसे पहली मांग है कि NCERT किताबें लागू होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, क्योंकि हमारे पलवल में लगभग 550 से 600 प्राइवेट स्कूल है। उन स्कूलों की, हर स्कूल की अलग अलग किताबें, हम चाहते हैं NCERT की किताब लागू होनी चाहिए सभी में। दूसरी जो मांग है वो है जिस स्कूल की जितनी मान्यता है उतने तक पढ़ाई, मान्यता 5वीं 8वीं तक होती है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं 10वीं और 12वीं तक। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास मान्यता ही नहीं है, एक दूसरे स्कूल से अटैच करके स्कूल चल रहे हैं, वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है उनके सामने चल रहे हैं और वो हमारी जनता को लुटवाने का काम कर रहे हैं। तीसरी मांग है प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में फायर की NOC होनी चाहिए और आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए। कुछ अधिकारी, जो फायर के जो अधिकारी हैं, वो पैसे के लेन देन करके और ऐसे स्कूलों को फायर की NOC देते हैं जिस पर कोई भी चीज़ लागू नहीं है, और ऐसे स्कूल, क्योंकि स्कूल बनने से पहले फायर की NOC लेनी पड़ती है। चौथी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में खेल के मैदान होने चाहिए और बच्चे खिलाने चाहिए, क्योंकि हमने RTI के द्वारा हमने पूछा था, उसमें बताया था लगभग 0.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राउंड होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ स्कूलों ने बताया कि 10 से 15 किलोमीटर का एरिया बताया कि वहाँ पर हमारा ग्राउंड है, परंतु नहीं कोई आना है नहीं जाना है। एक मांग और थी 134A के तहत, वो हमारी सरकार ने रिजेक्ट कर रखी है। अब एक मांग है हमारी, जो बसें हैं जिनकी वैधता ख़त्म हो चुकी है, जो इको वैन गाड़ी है, जो टेम्पू हैं, जो बसें हैं जो पीले कलर की नहीं है, अवैध रूप से चल रही हैं, कॉमर्शियल नहीं है, जो अपनी प्राइवेट चल रही हैं, उन पर भी लागू होनी चाहिए कि बच्चे लगभग 5 से 6 बच्चे बैठा सकते हैं, परंतु उन इको वैन गाड़ियों में लगभग 25 से 30 बच्चे बैठा कर ले जा रहे हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी है जो इको है CNG है उनमें और CNG पास भी नहीं है गाड़ियाँ? ऐसे भी बहुत हैं जो कि इको गाड़ी में CNG है और वो पास भी नहीं है। बिल्कुल सरकार की धज्जियां उड़ा रखी हैं इन लोगों। कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार हमारी सरकार होगी, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे ये काम कर रहे हैं। और कहना चाहता हूं कि बहुत सी बसें ऐसी हैं कि ना तो कोई पासिंग हुई पड़ी है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई प्रदूषण है, और ना ही कोई मान्य ड्राइवर या कंडक्टर है, उनके पास कुछ नहीं है, बस ओनली उन पर ड्राइविंग आती है, गाड़ी चलाते हैं। किसी के बच्चे के साथ, किसी सवारी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उस जिम्मेदार को, हम कहना चाहते हैं अपनी सरकार से कि ऐसी व्यवस्था को बनाए जो कि हमारे बच्चे इन जो प्राइवेट बस चल रही हैं उनमें सेफ चलें, इको वैन है उनमें सेफ रहे, उनका एक ही कलर होना चाहिए, एक ही कोड होना चाहिए जो पीले कलर का होना चाहिए, और ये जो प्राइवेट गाड़ी चल रही है ये बंद होनी चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।